पूरे भारत में आज गणेश चतुर्थी का पावन त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आम आदमी ही नहीं, बॉलीवुड में भी इस त्यौहार को सेलिब्रिटीज बड़ी शिद्दत से मनाते हैं और अपने घर बप्पा को लेकर आते हैं। तो आइए देखते हैं मुंबई में पंडाल पर कौन कौन से बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो बप्पा को घर लाने पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। हम लोग पिछले 22 ईयर्स से रख रहे हैं और रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हम पूरे 10 दिन का रखते हैं गणपति, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। एंड पापा आए बहुत अच्छा लग रहा है। दो साल के बाद कोरोना खत्म होने के बाद में हम सब लोगों को काफी जोश है। हमारे घर पे तो जसवीरा के घर पे आई थिंक 100 साल हो गए हैं, 100 ईयर से गणपति जी आते हैं। तो आई थिंक ये एक फेस्टिवल है जो हम लोग पूरी फैमिली जो है सबसे ज़्यादा यही एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट करते हैं। जसवीरा जी कितने ज़्यादा एक्साइटेड, इस बार मुंबई का एनर्जी काफ़ी हाई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। दो साल के बाद क्या कहना चाहोगे? बस मुंबई और पूरी दुनिया से कोई बीमारी ना आए, कोई किसी को तकलीफ ना आए, पापा सबका ख्याल रखे। खुश है हम लोग और इस साल स्पेशल पूजा है हमारे लिए। गणपति जी आ रहे हैं हमारे घर पे, नन्हे सी लियाना आई है, तो बहुत धूमधाम से और काफी टाइम के बाद मुझे लगता है कि खुशियां आई है, तो बहुत ही खुश है। लास्ट दो साल से मैं लंदन में शूट कर रहा था, इस टाइम मौका मिला है घर पे गणपति लाने का। और मैं हमेशा बहुत धूमधाम से लाता हूँ गणपति, कि गणपति मेरे घर के वो मेहमान हैं, वो हर साल आते हैं, घर को शुद्धि करते हैं और सब दुख दर्द सब मिटा देते हैं। तो गणपति बप्पा बोलिया। मैं बहुत खुश हूँ और हर साल की तरह इस साल भी अपने धूमधाम से लेकर जाएंगे घर पे, बहुत सेवा करेंगे उनकी। और खास बात यह है इस साल की कि मेरे नए घर पर गणपति आ रहे हैं, जो मैंने पिछले साल आपने देखा होगा उनके कान में बोला था, तो इस साल वो पूरा हो गया है। इतनी देर के बाद, इतने कष्ट के बाद हम सब वापस वही घर पा रहे हैं जो हम करते हैं हमेशा। और पापा जब भी आते हैं ब्लेसिंग लेकर आते हैं, ब्लेसिंग लेकर आएंगे तो हमारे कंट्री में थोड़ा सा बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज नवंबर में मेरी और उनकी शादी होगी, शादी के बाद पहले गणपति है, तो बहुत ही स्पेशल फील हो रहा है, बहुत ही एक्साइटमेंट है।